नमस्कार, आप देख रहे हैं TV29 न्यूज। उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना भजनपुरा इलाके में लुटेरों का आतंक आप देख रहे हैं इस वीडियो में। यह यमुना विहार का इलाका है। एक फेरी वाला व्यक्ति आलू और प्याज बेच रहा है। एक सुनसान गली में अपना आलू और प्याज बेचने के लिए गली के अंदर जाता है, तभी धाक लगाए दो लुटेरे जो काफी समय से शिकार का इंतजार कर रहे होते हैं और इस सब्जी वाले का पीछा कर रहे होते हैं। उन्हें इंतजार था तो सिर्फ एक सुनसान गली का, जहां उन्हें कोई देख ना ले और वह अपनी कहानी को अंजाम दे सके। और ठीक हुआ भी वैसे ही वही, लेकिन आलू और प्याज बेचने वाला व्यक्ति इस घटना से बिल्कुल अनजान था। उसका ध्यान तो सिर्फ और सिर्फ अपनी रोजी रोटी पर था। यह कोई रात की बात नहीं, कोई अंधेरे की बात नहीं है, दिन दहाड़े और उजाले की बात है, जहां पर अकेला और सुनसान देखकर चंद सेकंड में एक व्यक्ति पीछे से फेरी वाले की गर्दन दबोच लेता है और दूसरा व्यक्ति उसके पास से सामान निकालना शुरू करता है और मारने पीटने लग जाता है। फेरी वाले को लूटने के बाद दोनों लुटेरे वहां से फरार हो जाते हैं और बेचारा फेरी वाला लूटने के बाद आशाए और बेबस नजर आता है और शायद उसने पुलिस में भी इसकी सूचना नहीं दी। लेकिन वहां पर लगे CCTV कैमरे में यह सारी घटना की वीडियो रिकॉर्डिंग हो गई और किसी भले व्यक्ति ने इस वीडियो को वायरल कर दिया। अधिकारियों को अभी इसके बारे में शायद खबर नहीं, लेकिन वीडियो अभी सोशल मीडिया पर वायरल है। दिल्ली पुलिस वैसे तो बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन इस घटना की